क्रांतिकारी जय भीम साथियों, 2 अप्रैल भारत बंद के दौरान कुछ ऐसे तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन तथ्यों के आधार पर यह साबित होता है कि पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर कई सारे दलितों को, निर्दोष व्यक्तियों को, छात्रों को और सरकारी कर्मचारियों को फंसाने की नीयत से उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। मैं शैलेश मौसलपुरिया 2 अप्रैल से पहले जोधपुर से 150 किलोमीटर दूर 29 मार्च से लगाकर 10 अप्रैल तक देसुरी ग्राम में रहा हूँ, जो कि जोधपुर से 150 किलोमीटर दूर है। सामाजिक संगठनों की बात करूंगा, दलितों की बात करूंगा। पहली बात, मैं अपना भाषण या वक्तव्य शुरू करने से पहले यह आपको बता देता हूं कि जो 2 अप्रैल जो भारत बंद है, इसका न कोई नेतृत्वकारी है, न आयोजन करता है। अगर कोई नेतृत्वकारी है तो यह माताएं हैं, ये युवा साथी हैं, ये बुजुर्ग हैं। न किसी नेता की जरूरत है, न किसी अभिनेता की जरूरत है। एक लाइन याद है कि अगर जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब हमें सही चूज करना रहता है कि हम क्या तय करें, या तो चुपचाप बुलंदी या शोषण सहन करें या उसके खिलाफ खड़े मौज में। आज वो दिन है बाबा साहब के सपनों का भारत, जब हम ऊंचे खड़े हुए हैं। दोस्तों, जब तिरंगा लहरा रहा था वो और भी ज्यादा मजबूत दिख रहा था। उसका कारण यह था कि वो नीले रंग के साथ लहरा रहा था और इस देश के अंदर इस तिरंगे को और भी मजबूती एक नीला झंडा ही दे सकता। इस भीड़ के अंदर मौजूद तमाम महिलाएं, तमाम बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी और इन ग्रामवासियों का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह की से इस आंदोलन को सफल बनाने में उन्होंने साथ दिया है, हम उनका क्रांतिकारी इस्तकबाल भी देते हैं, उनका धन्यवाद भी देते हैं। दोस्तों, ये बात आज 2 अप्रैल की है। बाबा साहब ने कहा था कि मेरी जो तीसरी पीढ़ी आएगी वो बाबा साहब को समझेगी। आज हम तीसरी पीढ़ी है और हम बुजुर्गों से आज निवेदन करते हैं कि आप हमारा संघर्ष के तौर पे हमें दिशा निर्देश कीजिए, आगे बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए, संघर्ष के लिए पीढ़ी लड़ेगी। दोस्तों, मैंने कम से कम 300 आंदोलन किए हैं, परंतु मेरे जीवन का अगर सबसे बेस्ट आंदोलन, सबसे बेस्ट लोग देखू तो देशी आंदोलन है आप। दोस्तों, मैं पूर्णतः से मुद्दे की बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे या किसी को नहीं लगे, तो बात ऐसी एस टी की आती है। एससी एस टी का जो प्रावधान है, बाबा साहब ने उस वक्त भी जो बाल अदालत वाला था रखा था कि एससी एस टी वालों के लिए अलग से कानून बनाया जाए। के बावजूद 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान जोधपुर में उदय मंदिर थाना के थानाधिकारी राजेश यादव की ओर से मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज होती है, जिसमें मुझे एक भीड़ का नेतृत्व करते हुए और बहुत सारे तोड़फोड़ करते हुए और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए, जबरन दुकानें बंद करवाते हुए, मेजर सतान सिंह जी की मूर्ति को तोड़ने के आदेश देते हुए दर्शाया गया है। और मेरे खिलाफ कई सारी धाराएँ 147, 148, 149, 341, 323, 332, 353 और 307, जो 307 है जो अभी 302 में बदल दी गई, ऐसा मेरे विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुआ है, मेरे खिलाफ दर्ज की गई हैं। उसमें उनकी जो पुलिस प्रशासन की जो थाना उदय मंदिर की जो पूरी पुलिस की टीम है वो मेरे को आइडेंटिफाई कर रही है कि मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। दोस्तों, पहली बात तो ये कि 2 अप्रैल को मैं जोधपुर में था नहीं, और ऐसा नहीं उनके पास कोई वीडियो है तो मुझे गिरफ्तार करें और मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, अगर उनके पास मैं ऐसे को सबूत मिलते हैं। अगर नहीं तो संवैधानिक रूप से उनके खिलाफ वो सारी कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए षड्यंत्रपूर्ण तरीके से पुलिस कोशिश की जा रही है। दोस्तों, मैं एक शोध छात्र भी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। इसके तहत हमने विश्वविद्यालय में और सरकार के खिलाफ जहाँ पे भी दलित विरोधी कदम उठाए हैं, हमने कई सारे आंदोलन किए हैं और तमाम आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहे हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संवैधानिक दायरे में रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस हम जैसे कई व्यक्तियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उन्हें फंसाने की नीयत से, हमारे आंदोलनों को दबाने की कोशिश नीयत से कार्यवाही कर रही है। साथियों, हमने उनके खिलाफ एक FIR हमने जोधपुर के पुलिस आयुक्त को भी सेंड की है, और परंतु अभी तक हम उस FIR जो मैंने उनके बाई पोस्ट मैंने उनको जो भेजी है
उनके द्वारा मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है या कोई ऐसी कोई जांच हो रही है। ये पूरे भारत के अंदर ऐसा किया गया है, कई सारे निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया गया है जिसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। अगर कहीं किसी भी तरीके से अगर मैं उस वक्त 2 अप्रैल को जोधपुर में उपस्थित होता और पूर्णतया से शांतिपूर्ण तरीके से बंद का समर्थन कर रहा होता, शांतिपूर्ण तरीके से नेतृत्व कर रहा होता, तो भी आज कहीं ना कहीं पुलिस मुझे झूठे मुकदमों में फंसा कर मेरा भविष्य खराब कर सकती थी। इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर इन सारे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये चीज़ें मैंने कई सारे मीडिया के मित्रों से भी संपर्क किया लेकिन अभी तक मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। मैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और शून्यकाल के संपादक बवरजी मेघवंशी से निवेदन करता हूँ कि आप ये बात उठाएं, जिन्हें लोगों को और इस देश के लोगों को पता चले कि पुलिस किस तरह से और ये सरकार मनुवादी सरकार किस तरीके से दलितों के आंदोलनों को दबाने के उद्देश्य से किस तरह से कार्य कर रही है और उनके ये चीज़ें लोगों तक पहुँचनी चाहिए। ये सारी धाराएँ मेरे खिलाफ गलत है और क्योंकि मैं 2 अप्रैल को जोधपुर में था नहीं, जोधपुर से 150 किलोमीटर दूर देसूरी ग्राम में था। जय भीम, जय भारत।